हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में बन रहे ISBT को सरकार की ओर से दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर अब विरोध तेज हो गया है। आपको बता दें कि ISBT दूसरी जगह पर बनाए जाने को लेकर जहां गोलापार के लोग विरोध कर रहे थे, तो वहीं राज्य सरकार इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने के पूरे प्रयास में जुटी हुई है। वहीं आज पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या डालाकोटी के नेतृत्व में गोलापार क्षेत्र के लोगों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से ISBT को गोलापार में वहीं बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए क्षेत्र में 2500 पेड़ काटे जा चुके हैं। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इस मामले में फाइल फॉरेस्ट लैंड की क्लियरेंस का हवाला देते नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से ISBT को गोलापार से हटा दिया गया है और वो लैंड अब फॉरेस्ट लैंड को ट्रांसफर हो गई है। जो हम जहां प्रस्तावित कर रहे हैं उस लैंड के कागज भारत सरकार के पास पहुंच गए हैं, तत्काल ही वो ट्रांसफर होने वाली है, होते ही उसमें काम शुरू कर दिया जाएगा। देखिए भारत सरकार में गया है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। चुनाव से पहले माने? बिल्कुल, चुनाव से पहले काम शुरू हो जाएगा। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।